أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जो चीज आसमानों में है और जो जमीन में है सब खुदा की तंजीह करती है और वो गालिब हिकमत वाला है। मोमिनो तुम ऐसी बातें क्यों कहा करते हो जो किया नहीं करते, खुदा इस बात से सख्त बेजार है कि ऐसी बात कहो जो करो नहीं। जो लोग खुदा की राह में ऐसे तौर पर परे जमा कर लड़ते हैं कि गोया सीसा पिलाई हुई दीवार है, वो बेशक महबूब किरदिगार हैं। वो वक्त याद करने के लायक है जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि भाइयों तुम मुझे क्यों ईजा देते हो, हालांकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे पास खुदा का भेजा हुआ आया हूं। तो जब उन लोगों ने कजरवी की, खुदा ने भी उनके दिल टेढ़े कर दिए, और खुदा नाफरमानों को हिदायत नहीं देता। और वो वक्त भी याद करो जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा कि ऐ बनी इसराइल मैं तुम्हारे पास खुदा का भेजा हुआ आया हूं, और जो किताब मुझसे पहले आ चुकी है यानी तौरात उसकी तस्दीक करता हूं, और एक पैगंबर जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा उनकी बशारत सुनाता हूं। फिर जब वो उन लोगों के पास खुली निशानियां लेकर आए तो कहने लगे कि ये तो सरीह जादू है, और उससे जालिम कौन कि बुलाया तो जाए इस्लाम की तरफ और वो खुदा पर झूठ बोहतान बांधे, और खुदा जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। चाहते हैं कि खुदा के चराग की रोशनी को मुंह से फूंक मार कर बुझा दें, हालांकि खुदा अपनी रोशनी को पूरा करके रहेगा, खा काफिर नाखुश ही हों। ये तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि उसे और सब दीनों पर गालिब करे, खा मुशरिकों को बुरा ही लगे। नो मैं तुमको ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें अजाब अलीम से मुखलसी दे, ये कि खुदा पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और खुदा की राह में अपने माल और जान से जिहाद करो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुमको बाग हाय जन्नत में जिनमें नहरें बह रही हैं और पाकिजा मकानात में जो बहिश्त हाय जाविदानी में तैयार हैं दाखिल करेगा, ये बड़ी कामयाबी है। एक और चीज जिसको तुम बहुत चाहते हो यानी तुम्हें खुदा की तरफ से मदद नसीब होगी और फतह अनकरीब होगी, और मोमिनों को उसकी खुशखबरी सुना दो। मोमिनों खुदा के मददगार हो जाओ, जैसे ईसा इब्ने मरियम ने हवारियों से कहा कि भला कौन है जो खुदा की तरफ बुलाने में मेरे मददगार हों, हवारियों ने कहा कि हम खुदा के मददगार हैं, तो बनी इसराइल में से एक गिरोह तो ईमान ले आया और एक गिरोह काफिर रहा, आखिरुल अम्र हमने ईमान लाने वालों को उनके दुश्मनों के मुकाबले में मदद दी और वो गालिब हो गए।